आपसे चना पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 400 ग्राम चावल लिए, उसको मैंने भिगो लिया आधे घंटे के लिए। चने लिए मैंने उबले हुए, एक प्याली है। बाकी मसाला जो जो चाहिए, साबुत धनिया है 1 टीस्पून साबुत, 4 अदद लौंग है, 2 अदद हरी इलायची है, 4 से 5 अदद गोल काली मिर्च है साबुत, एक बड़ी इलायची है, बादियान का 1 अदद फूल है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। बाकी अर्सा जो चाहिए, ज़ीरा कुटी हुई लाल मिर्च, सूरह मिर्च पिसी हुई, नमक, जायफल जावत्री का पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर है एक मीडियम साइज़ का बारीक काट लिया, हरी मिर्ची है 3 अदद बारीक काट लिए, इमली, चिकन पाउडर है, प्याज एक बड़े साइज़ का बारीक काट लिए, 2 अदद तेज़पात के पत्ते हैं। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने देशी में ऑयल लिए, 1/2 कप ऑयल लिए, इसमें प्याज शामिल करेंगे, एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था बारीक काट लिए, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हल्का सा हो चुका है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टीस्पून है प्याज, लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। 1 मिनट के लिए मैं कवर कर दिया था, ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसमें हम बाकी मसाला जो शामिल करेंगे, ज़ीरा डालेंगे 1.5 टीस्पून, ये मसाला जो शामिल करेंगे, साबुत धनिया है 1 टीस्पून, बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद काली मिर्ची है गोल साबुत, 2 हरी इलायची है, 4 अदद लौंग है, 1-2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है वो शामिल करेंगे। जायफल जावत्री का पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून, चिकन पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, सूरह मिर्च पीसी हुई शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, टमाटर शामिल करेंगे, एक मीडियम साइज का मैंने टमाटर ले लिया था वो शामिल किए, 1 स्वाद के पत्ते शामिल करेंगे और आखिर में नमक शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इसमें हम चने शामिल करेंगे अपने, एक प्याली मैंने चने लिए थे, साथ ही हम हरी मिर्ची शामिल करेंगे, 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे चनों के साथ। बाकी आप मसाला जात अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको मैंने तेज़ आंच से भून लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, 1.5 गिलास पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरे पास 1 गिलास है इस साइज़ में, ये देखें चावल भी तकरीबन मैंने इसमें नाप के लिए तकरीबन 400 ग्राम चावल बनते हैं, इसी तरह हम इसका 1.5 डालेंगे। तो जैसे ही उबाल आता है तो इसमें हम चावल शामिल करते हैं, ये देखिए उबाल आ चुका है। अब इसमें हम इमली शामिल करेंगे, 6 से 7 अदद मैंने इमली के पीस लिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ ही हम चावल शामिल करेंगे। नए चावलों में पूरा पूरा पानी शामिल करते हैं, ये मेरे पुराने चावल हैं तो इसमें थोड़ा सा कम पानी शामिल, कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे, जैसे ही पानी खुशक होता है तो दम लगाएंगे। देखिए चावलों का पानी खुशक हो चुका है, देखिए बिल्कुल, अब हम दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे,
चावलों का दम हो चुका है, ये देखें चावल हमारे तैयार हैं, देखें बड़े खिले खिले चावल बने हैं। अभी मैं आपको डिश दाल चना पुलाव तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।